आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। जहां एक और जिला प्रशासन अतिक्रमण पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अब यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण पर सख्त हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल देहरादून के SSP अजय सिंह यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में जहां एक और व्यापारी में हड़कंप मचा है, तो वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण करने वाले लोगों में भी हड़कंप मचा है। मंगलवार को SSP अजय सिंह आरत बाजार देहरादून पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यापारी सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इसके साथ ही SSP अजय सिंह ने कहा, जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट के चलते यातायात व्यवस्था में अच्छी रही, जिसको लोगों ने सराहा, इसका कारण यह था कि अवैध अतिक्रमण सड़कों पर हो रखा था। उस अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटाया, क्योंकि शहर को इतना सुंदर बनाया गया, जो अस्थाई अतिक्रमण है वह दोबारा से ना लगे, जिससे कि जाम में राहत मिले, तथा इसके साथ ही जो व्यापारी लोग हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं, लेकिन उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, जब लोग आते हैं तो सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां रहती हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति रहती है। हमने व्यापारों से आग्रह किया है कि 30 से 40 व्यापारी मिलकर एक यातायात मित्र, जिसको हम उन्हें उपलब्ध कराएं और उनका भी जो मिनिमम चार्ज होगा वह व्यापारी वहन करेंगे। देखिए, जो इन्वेस्टर समिट इतने अच्छे से हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा, उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहाँ पर यातायात बाधित होता है, वहाँ के अस्थायी अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटा दिया था। अब जब पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा न लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारीगण हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं, लेकिन उनका पार्किंग की जगह नहीं है और लोग जब आते हैं तो किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते, तो हमारी क्या वजह है कि 30-35-40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे, उसको वो व्यवस्था में सहयोग करें उनके, और जो भी उसका नॉमिनल पेमेंट होता है व्यापारीगण खुद करें, इसी चीज़ का सहयोग लेने के लिए ऐसे यातायात मित्र को जगह जगह नियुक्त करने के लिए जो यातायात व्यवस्था में सहयोग करें, और साथ ही साथ अस्थायी अतिक्रमण जिसके कारण जो है बहुत सारे पॉइंट्स पर दिक्कत आती है वो दोबारा न लगे, इसीलिए सभी थाना प्रभारी को रूट वाइज बुला बुलाकर उसको उन चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है।